लड़की ने बोला कि भाई अभी हमें टाइम चाहिए, हम दो हमारे दो बहुत सारे कपल जैसे श्रेया बोल रही प्यार नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। ऋषभ एंड आई आर वेरी गुड फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सचिन शर्मा डांस। कैसा लगा मेरे चैनल पर वापस आकर? आप लोगों को लग रहा होगा मैं बैठ कर क्या बकचोदी करने वाला हूँ। देखो गाइस, सबसे पहली चीज तो आज मैं जिन दो लोगों को बुलाने वाला हूँ, मतलब ये रिश्ता क्या कहलाता है भाई, इतने ट्रेंडिंग इनके वीडियोस जाते हैं, इनके व्यूज जो ना वो आग मूत रहे हैं भाई सच में। मतलब इनके वीडियोस उनको हर जगह दिख जाएंगे। और मैंने इनकी जर्नी फॉलो करी है, 2-3 साल के अंदर इन्होंने जो धमाके करे हैं भाई, मतलब दिल खुश हो गया मेरा। मतलब ऐसा लगता है कि भाई कम टाइम में ज्यादा नॉइज कैसे होनी चाहिए वो इन दोनों से सीखना चाहिए। तो लेट्स वेलकम द वन एंड ओनली सबसे ट्रेंडिंग कपल, श्रेया एंड ऋषभ जायसवाल। लेट्स गो गाइस। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। अरे कैसी हो मेरी श्रेया काला 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 जो भी वैसेस चल काला। गाइस सबसे पहले तो ये वेलकम टू सचिन शर्मा डांस। सचिन शर्मा डांस, आप दोनों बड़े प्यारे, काफी क्रिएटिव नाम है। थैंक यू सो मच। काफी लग रहा है, काफी सोच समझ कर। देखो यार आपको पता है वैसे ही मेरी जिंदगी में तो प्यार की बहुत ही कमी है, तो ठीक है इसलिए कुछ रिलेशनशिप। आपकी जिंदगी में प्यार की कमी है कि आपकी जिंदगी में बहुत आपको प्यार मिला है? मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस। सो गाइस आज का मुद्दा ये है, मेरी तरह बहुत सारे लोग भी ऐसे होंगे जिनको अपने जिंदगी में जिनके लगे पड़े हैं, जिनको लगता है कि यार रिलेशनशिप में कैसे करें, कैसे चीजें करें। तो मैं इन दोनों को आज इसलिए लेकर आया हूं क्योंकि दोनों लव गुरुज हैं वैसे तो, क्योंकि इंडिविजुअली इन्होंने बहुत बहुत प्यार कमाया है, बहुत लोगों को प्यार बांटा है, समझ रहे हो तुम मेरी बात, और खाया भी बहुत सारा चाटा है। ठीक है, पहला सवाल मेरा तुम दोनों से ये है, जो दुनिया जानना चाहती है, ये बड़ा ही चल रहा है आजकल, ये नया घंघोर चीज आया सिचुएशनशिप। So, relationship और situationship, आप दोनों किस चीज पे बिलीव करते? मैं शादी में only दिया सही है। मेरा मानना है friends, friends with benefit, what benefit, benefitness, friends with benefit, what benefits do you want, moral benefit, emotional benefit, सीख रहे हैं। क्योंकि जो friend आपको morally और emotionally support कर सकता है ना, वो इसी को हक है आपके आगे life partner बनने का। लड़कों को क्या चाहिए होता है बाबा, लड़कों को चाहिए होता है ना कोई ऐसा इंसान हो जो आपको मेंटली इमोशनली सपोर्ट करे। लड़कियां देखो, लड़के ऐसे होते हैं ना, हम ऐसे बने होते हैं ना कि कोई भी सुंदर लड़की आएगा बोले वाह यार सुंदर लड़की है, बट वो टेम्परेरी होता है, परमानेंट वो तभी होता है ना जब लड़की इमोशनली समझ सके लड़के को कि नहीं यार ये ऐसा ही है। अब कमिटमेंट के पहले की बात, अच्छा कमिटमेंट तक आ गए, ये जब अच्छा होता है। उसका सवाल क्या था, सिचुएशन या रिलेशनशिप? तुम्हारे हिसाब से व्हाट इज द बेस्ट, सिचुएशनशिप और रिलेशनशिप? मेरे हिसाब से तो भाई रिलेशनशिप एनी टाइम, रिलेशनशिप इफ यू आर नॉट रेडी फॉर इट तो फिर उसको लीड भी मत करो, लीड ऑन मत करो उसको, फालतू उसका टाइम वेस्ट मत करो। दोनों चीज है ना, ये अलग थॉट प्रोसेस आता है मेरा। ये थॉट प्रोसेस में क्या है कि मान लीजिए सिचुएशनशिप है, सपोज आप किसी लड़की को डेट कर रहे थे, ठीक है, आपको लड़की बहुत पसंद थी, लड़की ने बोला कि भाई अभी हमें टाइम चाहिए, ये लड़की को टाइम बहुत चाहिए, ठीक है कि अभी हम श्योर नहीं है, तो जब लैक ऑफ श्योरिटी होती है तो वहाँ आता है हमारा सिचुएशनशिप। लैक ऑफ श्योरिटी जहाँ पे होती है वहाँ पे आता है सिचुएशनशिप, तो वो भी अच्छा है, हो सकता है कभी कभी श्योरिटी मिलने में टाइम लगता है, तो इट कैन बी गुड ऑप्शन टू एक्सप्लोर। बट फिर कभी कभी पता होता है ना बंदे को कि यार सिचुएशनशिप ही रहेगा, इसको मैं रिलेशनशिप में कभी कन्वर्ट नहीं करूंगा, बट फिर भी वो कलटाते रहते हैं लड़की को, तो वो आई थिंक इज रॉन्ग, आई थिंक देयर इज रॉन्ग। या तो फिर उसको बोल दो कि देखो कैजुअल है, मुझे सीन नहीं करना है, तुम भी कैजुअल ही रखो, क्योंकि आजकल लड़कियां मुझे लग रहा है काफी मॉडर्न और समझदार हो गई है, अगर आप उनको बोलोगे कैजुअल है तो वो अंडरस्टैंड करेंगी, तुम्हारे पीछे चिपकू नहीं बनेंगी। बट अगर आप तुम उसे लीड कर रहे हो कि नहीं आई वांट टू मेक दिस वर्क, आई रियली लाइक यू और मैं पसंद करता हूँ, फिर तो फिर वो एक्सपेक्ट करने लगेगी ना कि यार कहीं ना कहीं ये मुझे कमिटमेंट देगा, और फिर तुम गए ही नहीं लटका रहे हो उसको, वो तो गलत है फिर। चलो इसी के साथ साथ जो लटकाने वाला सवाल है अगला, वो ये है कि देखो लटकने से याद है सचिन भाई आजकल कहाँ लटक रहे हैं इमोशनल, डैम इट, हम दो हमारे दो।
इतनी दुबई ट्रिप की बात हो गई है, नाउ आई हैव टू से दिस कि मेरे चैनल पे अभी हम एक व्लॉग डालने वाले हैं। आफ्टर 10 मंथ्स हम एक व्लॉग डालने वाले हैं जो कि है हमारा दुबई ट्रिप व्लॉग। अरे लेट्स गो बाबा, ये इसमें सच्चाई दीजिए। देखो एक और सवाल है मेरा, मतलब मुझे ऐसा लगता है कई बार बहुत लोग ना, ये जो न्यू जनरेशन हमारी, जो हमारी जनरेशन है और जो हमारे माता पिता वाली जनरेशन है, लोग उन सब के प्यार को बहुत कंपेयर करते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक, क्या चीजें चेंज हुई है, क्या बदलाव है, मतलब इन सब चीजों को लेकर? तुमको लगता है कि जो आजकल की जनरेशन उनका प्यार सच्चा है, या जो हमारे मम्मी पापा जिनका उनका प्यार अच्छा है, तुमको क्या लगता है कि कौन सा जो प्यार है वो ज्यादा बेटर? यार इट डिपेंड्स कि रिश्ता कैसा है। मैंने बहुत सारे मम्मी पापा ऐसे भी देखे हैं जो वो सिर्फ निभा रहे हैं, उनमें प्यार ही नहीं है, वो कनेक्शन ही नहीं है, वो बस अपने बच्चों की वजह से चला रहे रिश्ते को। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि पुराना प्यार अच्छा है या मम्मी पापा जैसा मुझे कनेक्शन। मैं अपने मम्मी पापा की बात नहीं कर रही हूँ, मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हैं, दे आर अ वेरी हैप्पी हेल्दी रिलेशनशिप, डोंट जज। बट मैंने ऐसे बहुत परिवार देखे हैं जहाँ प्यार नहीं है बट वो निभा रहे हैं अपने बच्चों की वजह से। तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि मुझे उनके मम्मी पापा जैसा हस्बैंड चाहिए या वैसा रिलेशनशिप चाहिए। मुझे चाहिए जिसमें मैं खुश रहूं भाई, वो भले इस जनरेशन में हो या अगले जनरेशन में हो या किसी भी जनरेशन टाइप हो, बस मैं खुश रहनी चाहिए। लाइक आई शुड बी सैटिस्फाइड। फॉर यू हैप्पीनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, चाहे किसी भी, किसी के साथ भी हो, बड़ा बूढ़ा या बच्चे। नहीं नहीं भाई, मेरी उम्र का होना चाहिए भाई, ऐसा नहीं बड़ा बूढ़ा यार, ये क्या बात है, पागल क्या? मतलब बूढ़े के साथ बच्चा कैसे करूंगी, मेरे को बच्चा भी चाहिए। तीन बच्चे चाहिए मुझे। हमें हमें क्या लगता है ना कि पहले के जनरेशन अभी के जनरेशन में सबसे मेजर फर्क ये है ना कि अभी के जो लोग जो भी है यूथ, उनको ना अपना सेल्फ रिस्पेक्ट पता है और उनको अपनी स्टैंडिंग पता है और उनको पता है कि ये चीज मेरे लिए सही है या गलत है। आई थिंक लोग ना बहुत वाइज है, जो अभी जो हम लोग तो फिर भी मिलियन जनरेशन के, अभी जो जेन जी जनरेशन है वो और ज्यादा स्मार्ट है, उनको पता है व्हाट दे एक्चुअली वांट। बट पहले हमारे जो पेरेंट्स के जनरेशन में जितना हमने देखा है, जैसे बनारस में जो लोग, अंकल पड़ोसी रिश्तेदारों में जो देखा है, बहुत सारे कपल जैसे श्रेया बोल रही है प्यार नहीं होता, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो नहीं है, वो इसलिए क्योंकि उनके बच्चे हैं, अब बहुत देर हो गया है, 8 साल हो गया है, 10 साल हो गया है, अब ये नहीं हो सकता। तो वो चीज बहुत कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में भी है, समझौता कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया उस चीजों को कि अब जो भी चल रहा है यही मेरी जिंदगी है। बट अब जो लोग, बट अब जो लोग है ना, नीति में बीती जनरेशन वाइज जनरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग है भाई, वो कहती है भाई हम तो, हम गाड़ी लेंगे, हम गाड़ी ट्रायल भी करेंगे और जितना शोरूम है सब में ट्राई करेंगे और ठोकेंगे गाड़ी, गाड़ी ठोक के देखेंगे गाड़ी है मेरी जान बचा रही है कि नहीं, ये गाड़ी जब बच जाएंगे जिस गाड़ी पे उस गाड़ी को जिंदगी भर चलाएंगे। और अगर कुछ सालों बाद उनको ये लगता है कि बेटर गाड़ी का ऑप्शन मिल गया है सत्ते में, पुरानी वाली गाड़ी टिका के नई गाड़ी के साथ ही बैठ के जाना चाहती है, which is I am not promoting that, I personally feel that this is not right. Right. You are right. I am a kind of person कि अगर हमें कोई गाड़ी पसंद हो हम जिंदगी भर उसे चलाना पसंद करेंगे। अल्टो ही क्यों ना हो, चाहे वो फीलिंग वाली बात है, वो फीलिंग है अल्टो, ये जो अल्टो वाली फीलिंग है तुम्हारी, ये जो तुमने एक लड़की को तुम्हारे लाइफ पार्टनर को गाड़ी से कंपेयर किया है, गाड़ी तो मन बदल जाता है नहीं लेता है, क्या मतलब बदल दिया, मोबाइल बदलता है बट इंसान थोड़ी बदलेगा, तो गलत है आपका जो कंपैरिजन है गाड़ी और लड़की नहीं, से। जब भी कोई मेटाफोरिकली कंपैरिजन होता है तो एक क्वालिटी पे, चलो इस गलत को थोड़ा सही में बदल देते हैं, ये बताओ ये रिश्ता क्या कहलाता है, क्या ये रिश्ता जो है क्या कहलाता है, लोग दुनिया जानना चाहती है यार, सब परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, ये जो पीछे कैमरे के वो भी परेशान हो गए और पूरी दुनिया परेशान हो गई, बता दो यार ये परेशानी हमें अच्छी लगती है। स्टार प्लस पे आता है, उसमें एक लड़का है कृष बंसल, बहुत स्मार्ट है, एक्टर भी अच्छा है, शुभ प्रमोट कर रहा है भाई, बहुत बढ़िया, काला टीका लगा दो, इतना स्मार्ट है यार, बस कर दी एक्टिंग, क्या लगा कुछ नहीं लगा गाइस, देखो तो बताओ यार जवाब तो दो। देखो गाइस वी आर जस्ट Rishabh and I are very good friends. Very like very good. Very close friends. Very cool friends. Baba, tell me. भाई हमने कुछ पता ही नहीं इस बारे में बात नहीं हुई है, नहीं मतलब वी आर सो क्लोज कि अगर किसी और से क्लोज हो जाएगा तो मैं इसको क्लोज कर दूंगी, दैट क्लोज वी आर। देखो मेरा तो यही मानना है जो मर्जी है करो, ठीक है, यो लो, मौत से डरो, मौत से डरो, यू ओनली लिव वंस,
बहुत सारे लोग मेरे जैसे लोग और इन जनरल लोग मूव ऑन नहीं कर पाते हैं अपने ब्रेकअप से। गधे हो तुम लोग। आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे आप जिस लड़की से प्यार करते थे उससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लड़की अभी किसी के साथ है कि वो सिंगल ही है अभी तक? वो किसी के साथ है, किसी के साथ है, तो उसके रील या उसके फोटो सुबह शाम दिन रात, सुबह एक खाने के बाद, उसके बाद दोपहर में लंच के बाद और रात के डिनर के बाद देख के सोना है। एक हफ्ते बाद ऐसी नफरत जगेगी, कोई उसके नाम का अल्फाबेट ही बोलेगा तो उसे घुसंड मार देंगे। ये सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है। आई ट्राइड एंड टेस्टेड, मैंने ट्राई किया है अपनी लाइफ। मतलब डेली रील देखनी है सुबह नाश्ते में उस पार्टनर के साथ, रोज उसका फोटो कहीं से मंगाइए और देखिए रील फोटो। रील है तो और अच्छा है, और अगर वायरल रील हो रहा है तो और अच्छा है। नहीं, मेरे पास एक अच्छा आइडिया है, सबसे पहले जो आपकी एक्स है उसका बाल लीजिए और एक उसका नाखून लीजिए। ओके, ठीक है, हर दिन उसको गटर में डालिए। क्या हुआ इससे? नाखून कैसे मिलेगा और बाल कैसे? इससे आपका टाइम वेस्ट होगा। शो आप हमारा कर रहे हैं, हम आपको क्यों बताएं कि मूव ऑन कैसे करते हैं? हम चाहते हैं हम सड़े। अरे माँ, हमारे लव गुरु काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तभी तो कोई एडवाइस, मतलब एडवाइस छोड़ेंगे, कोई सजेशन लेने बुलाएगा। अगला क्वेश्चन के लिए मुझे वापस बताना चाहिए ना। ऑनेस्टली बताए मूव ऑन कैसे करना है, तुम बताओ कैसे। ऑनेस्टली बताओ, तीन शब्द में बताओ। जितना पहले तो जो फर्स्ट स्टेज आता है, जितना सैड होना है बोलो, किश्तों में मत, उसको लंबा मत खींचो। मतलब कहते हैं ना, क्राई अ ब्रिज एंड जस्ट मूव ऑन। ठीक है, पूरा भड़ास निकाल लो। क्या पढ़े हो, कहां से पढ़े हो? पूरे जाके हल्ला कर दो अपने दोस्तों से, पूरा रो रो, क्योंकि आप जितना बोलते हो ना, नहीं दारू नहीं, बातें करो, जितना आप एक्सप्रेस करते हो ना उतना आपके इमोशन ड्रेन होते हैं। दारू पियो और आई थिंक यू फील गुड, दैट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी व्हाट आई। मेरे पास बहुत अच्छा आईडिया है। अच्छा, कंप्लीट कीजिए। तो आपको पूरा भड़ास निकल जाए, जब आप अंदर से खाली हो जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत हेल्प मिलेगा मूव ऑन करने में। आप भड़ास निकाल दो, भड़ास निकाल दो, मतलब भड़ास इन सेंस की शेयर करो लोगों से, निकाल दो, शेयर करो अपने लोगों से, शेयर करो जो को आप ट्रस्ट कर सकते हो उनसे, शेयर दोस्त जो रियल दोस्त जो आप फील कर रहे हो। भाई मैं एक्चुअली ये बहुत चीज ये वर्क करता है, दोस्त बहुत जरूरी है। आपका ब्रेकअप हो जाता है, मैं सबको बता रहा हूँ, अपने दोस्तों के पल्लू पकड़ लो, सालों को जाने शेयर करो, जितना हो सके शेयर करो, वेरी इंपॉर्टेंट है, जो भी थॉट्स आते हैं शेयर करो। मेरे पास बहुत अच्छे सोल्यूशन है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप मूव ऑन करना चाह रहे हैं और आपको नहीं समझ आ रहा आप कैसे करें, तो आप दूसरा पटाए और इस वाले को साइड में हटाए। हाँ, इस वाले को साइड में हटाए, क्योंकि देखो एक याद को भूलने के लिए दूसरी यादें बनानी पड़ती है, डेट पे जाना पड़ता है, रोमांस करना पड़ता है। तो क्या पता आप रमेश से मूव ऑन हो जाए, फिर मुकेश आपकी मार ले। देखो आप बताते हैं ये क्या बोल रही है लड़की, हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। ये बात है कि आपके उंगली में चोट लगी है तो अपना घुटना तोड़ लो, फिर वहां से फोका झट के ना घुटने पे आ जाए, तब तक उंगली भर जाएगी। घुटना आप सही करते रहोगे, उंगली क्या कहीं तेल लेने, फिर घुटना जैसे ही हील होने वाला, फिर कंधा उखाड़ लो, फिर कंधे फोकस रहेगा, ये अपने आप हील हो रहा है। ये वही बात हो गई, धीरे धीरे एक दिन ऐसा इंसान आपको मिल जाएगा जो आपका कुछ नहीं छोड़ेगा। एक रिलेशनशिप से आप मूव ऑन कर नहीं पाए, आप दूसरे रिलेशनशिप में चले गए, ठीक है, अब यहाँ का तो सेट कर नहीं पाए, वहाँ अलग चोट लगती, वही वाली बात है बस, और कोई बात नहीं। आपको क्या लगता है, सही है? आई थिंक गाइस जो भी तुम बोल रहे हो बहुत फनी है, सही का पता नहीं मुझे। मेरा अगला सवाल ये है कि जब आप रिलेशनशिप में होते हो किसी, ठीक है, तो आपको लगता है कि आपको हर एक चीज जो आपने अपनी जिंदगी में करी है, हर एक पार्ट जो भी आप फील कर रहे हो जिस चीज के बारे में, वो आपको हर एक वो बात जो कोई और ना जानता हो बट आपका पार्टनर को जानना जरूरी है क्या हमेशा? हाँ, सब बताओ। आई थिंक सब शेयर करते हो बट आप नहीं बताते, हम समझते नहीं, हम बताते। आप शेयर करेंगे कितना करेंगे भाई, एक बात बताओ, 25 साल किसी की उम्र है, ठीक है, रिलेशनशिप को आपको 5 महीने हुआ नहीं, 25 महीने हुए नहीं, आप कहते 25 साल के थॉट सारे बता सकते हो? नहीं बता पाओगे यार, क्या बात है बाबा, बता ही नहीं सकते। एक ही बार बता दो, धीरे धीरे आपको हर चीज बतानी चाहिए। टाइम बीतता है ना, कि कभी कभी पता है क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल एक लड़के के बारे में अगर मैंने अपने पार्टनर को नहीं बताया और वो लड़का कहीं पार्टी में मिल गया
और उसने मजाक में बोल दिया कि याद है वो रात, ठीक है, तो मेरे पार्टनर को तो पता ही नहीं है, हमारी तो रातें बर्बाद हो जाएगी। वो बोलेगा भाई हु इज दिस पर्सन, हम कौन सी रात की बात कर रहा है, क्या ये रात हमारे बीच में थी जब हम दोनों डेट कर रहे थे? फिर एक रात बर्बाद करने के चक्कर में आप अपनी जिंदगी बर्बाद करो, इससे अच्छा ऐसे बंदे को डेट करो जो आपको जज ना करे आपके पास्ट के लिए। आपको हर चीज बतानी चाहिए धीरे धीरे ही सही अपने पार्टनर को, भाई ये मेरे साथ हो चुका है, ये मेरा सीन था, मेरे थॉट प्रोसेस ये थे, अब मैं बदल चुकी हूँ या ये। और वैसा आपको पार्टनर चाहिए जो अंडरस्टैंड करे, आपको जज ना करे आपकी चीजों पे, क्योंकि आप भी दूध के दुल्हे नहीं हो। मुझे लग रहा है आप भी मुंह काला करवा के आ चुके हो, तो जज मत करो। आप मेरी तरफ भी देखते क्यों बोल रही है ऋषभ भाई? आई थिंक शेयर सही करिए, वो तब तक शेयर करना चाहिए जितना हो सके भाई, शेयर करो, बताओ फिर उस रात का, शेयर करो, केयर करो और शेयर करो यार, ठीक है। और फोटोज वोटोज मत रखो गैलरी में, डिलीट एक्स की फोटो तो डिलीट कर दो। अगला क्वेश्चन ये है जब आप किसी से मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, प्रेम करते हो, ठीक है, ऐसा कभी होता है कि जब आप सच्चा प्यार करते हो आपकी जो अटेंशन है किसी दूसरे इंसान के ऊपर भी जाती है एट द सेम टाइम? यस, आप अट्रैक्टेड फील करते हो? ये आई थिंक बहुत ऑब्वियस है भाई, अगर तुम इंसान हो और तुम्हारे अंदर कुछ हॉर्मोन्स हैं तो तुम्हारा अटेंशन जाएगा, जो चूल है तुम्हारे अंदर गंदी वाली वो होगा। जैसे अगर आप एक लड़के हो और कोई बहुत सुंदर लड़की हो तो एक बार आपकी नजर जाएगी, बट उसके बाद आप क्या करते हो ना वही डिसाइड करता है कि आप कितने पानी में हो, कितने पानी के ऊपर हो, बिकॉज आप क्या बिहेवियर है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप या आप लड़की देखे, लड़की ने आपको मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, तड़तड़ चढ़ाए, अब लड़की का प्रोफाइल आपने खोला, लड़के को देखोगे चलो बहुत अच्छी लड़की है, अब आप क्या करते हो, उससे आप फ्लर्ट करने लग जाते हो, बात करने लग जाते हो, नंबर मांग के शेयर करने लग जाते हो, बहुत गलत है। तो वही चीज है ना, ये डिसाइड करेगा कि आप गलत हो या सही, आपका नेक्स्ट मूव डिसाइड करता है। बाकी जो जैसे आपने कहा कैसा लग, तो वो तो एक ऑब्वियस लड़की भी है, कोई बहुत स्मार्ट लड़का अगर आता है रूम में तो एक लगता है नहीं यार इज वेरी यू नो स्मार्ट, यू आर मेड लाइक दैट, वी ह्यूमंस आर मेड लाइक दैट। गाइस मुझे ऐसा लगता है गलत सही सिर्फ नजरिया है, गलत सही को मारो गोली, लाइफ में कुछ गलत सही नहीं होता, गिल्ट में नहीं रहना चाहिए लाइफ में, गिल्ट इज अ डिजीज। अगला सवाल, मेरे से तो थॉट प्रोसेस पूछा ही नहीं, पर चलो ठीक है, आई डिटो। आपको ना दिमाग को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, अगर आप रिलेशनशिप में हो और आप दिमाग कंट्रोल में ना हार्मोन्स नहीं है ना, हाँ तो वो आपके एक्शन तो आपका दिमाग दिलवाता है ना आपसे, वो बोलता है कि हाँ चीटिंग सही है कर ले, उसको पता नहीं चलेगा, वो आपको कंट्रोल करना है। अगर आप अपने बंदे से प्यार करते हो तो यू लाइक नहीं आई के नॉट रूइन दिस जस्ट बिकॉज माई हार्मोन्स आर सेइंग कि गो फॉर इट, आई विल नो नॉट गो फॉर इट, फॉर मी my physical pleasures are not important, my partner is more important to me, I love that person, he is everything for me, मैं अपना future बर्बाद नहीं करूंगी इस चक्कर में, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारी चीजें होंगी, बहुत ना हर कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कुछ ना कुछ कमी होती ही है। आज मुझे भी 40 मिनट कोई बैठ के देखेगा बोलेगा ओ माई गॉड शी इज सो फ्लॉलेस बिकॉज आई एम फ्लॉलेस, बट मेरे में भी कमियां है गाइस, मैं भी फ्लॉ है मेरे में, ठीक है। तो अगर मेरा पार्टनर ये सोच के कि यार इसमें ये अच्छी चीज नहीं है तो मैं दूसरी चीज पटा लेता हूँ तो वो गलत है। अगर आपने 7 जन्म का वादा किया है तो आपको 7 जन्म रहना पड़ता है, ये एक दिन नहीं रह पा रहे हैं, पहले ही हाथ हटा रहे हैं ऐसे। तो गाइस अगला सवाल मेरा ये है कि बहुत सारे लोगों के ऊपर बहुत सारी चीजें थोप दी जाती है, जैसे गाँव गाँव में क्या होता है कि लोगों को जिम्मेदारी की वजह से शादी करवा देते हैं लोग, अरेंज मैरिजेस को हम बोलते हैं। yes. और आज जैसे कुछ लोग ऐसे लव वाले जोन में भी पड़ जाते हैं, तो क्या लगता है तुमको कि लव मैरिज अच्छा है या अरेंज मैरिज? What do you have to say about this? इसको जैसा ठीक लगे, बहुत लोगों को प्यार नहीं मिल रहा है तो क्या करें, सिंगल रहे नहीं तो अरेंज कर ले चुपचाप, जो घर वाले बोल रहे हैं नहीं मिल रहा है अभी उसकी मतलब 35-40 क्रॉस हो गया है, क्या जिंदगी भर अकेला रहेगा? नहीं ना, तो फिर घर वाले बोल रहे तो चुपचाप कर लो, कभी कभी घर वालों को सुन लेनी चाहिए। अभी मैं अपने बारे में बात करूं, मैं तो लव ही करूंगी तुम मरो अरेंज मैरिज के चक्कर में, मेरे को मेरे में कोई कमी नहीं है, मैं बहुत खूबसूरत महिला हूं, अच्छा बोलती हूं, अच्छा कभी खाना खाना बना लेती हूं, फ्लॉलेस है, कभी कहूं ऐसे फ्लॉलेस हूं, तो मुझे लगता है मुझसे कोई भी प्यार करना चाहेगा, एंड आई एम आल्सो रेडी टू लाइक डिलीवर 3 बेबीज, तो आगे फ्यूचर भी बढ़ेगा हमारा। देखो हम बताते हैं बाबा, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, आप एक पोजीशन पे और सामने आपके दो गिफ्ट है ये एक्सप्लेनेशन पड़ेगा। एक गिफ्ट के अंदर आपको पता है कि क्या निकलने वाला है, ठीक है, कि गिफ्ट क्या होने वाला है आपको पता है, आई लाइक द रेफरेंस गेम, ठीक है। और दूसरा जो गिफ्ट है उसमें आपको घंटा नहीं पता क्या है, ठीक है, पर बाहर से बड़ा हैवी बड़ा सुंदर सा है,
और जो दूसरा उसमें पता है उसमें बाहर सुंदर है पर अंदर क्या पता नहीं है, ठीक है, तो भी इस केस में बंदा खड़ा होगा तो जो समझदार व्यक्ति होगा वो क्या उसको क्या करना। आई थिंक हमको जो पता है कि इसके अंदर ये निकलने वाला है तो आई विल चूज वाइजली, मैं बोल लूंगा जो मुझे पता है भाई इसके अंदर ये निकलेगा, अनश्योर चीज क्यों लूं मैं। ठीक, तो बात यही है कि उसमें से कुछ लोग सचिन भाई वाला काम करेंगे, बहुत ही सेफ, बहुत ही साउंड, आई अप्रिशिएट। और कुछ लोग होते हैं चूल होती है जिंदगी में मसाले की कमी है, खतरों के खिलाड़ी में उनकी कास्टिंग नहीं होती, तो वो क्या करते हैं ना, वो दूसरा वाला ऑप्शन चुन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्री थिंग्स टू इंप्रूव योर रिलेशनशिप। व्हाई थ्री? ओनली थ्री थिंग्स, आई वांट टू नो थ्री, यू एंड देयर शुड बी 10। जो आपकी पार्टनर है ना उसको ये समझाओ कि अगर तीन चीज पूछा गया 10 ना बताओ। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज है पहली वो है लॉयल्टी, ट्रस्ट, मतलब वो आपको लॉयल रहना ही पड़ेगा, जो कि बहुत रेयर है आजकल, लोग मुंह मारना चालू हुए हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसे लगता है कि लॉयल्टी इज वेरी 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 इम्पोर्टेंट, ठीक है। लॉयल्टी होगी तो ट्रस्ट होगा, फर्स्ट लॉयल्टी। सेकंड, इज्जत, एक दूसरे की इज्जत करो, एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए आपको रिलेशनशिप में कि इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगा या इसको मैं क्रॉस नहीं करूंगी, क्योंकि फिर वो चीजें खराब हो जाती है, रिस्पेक्ट होना बहुत जरूरी है। तीसरा, सपोर्ट, के हर चीज में आपको वो बताए कि कहाँ आप सही हो, कहाँ आप गलत हो। हर चीज में ये नहीं बोले कह रहे तू तो बेस्ट है भाई, तू तो अच्छी है भाई, तू तो अच्छी, नहीं, कहीं आप गलत भी होते हो, आप इंसान हो, आपसे गलती, आप गलतियों के पुतले हो, तो आपको वो बताए भी कि बेटा यहाँ पर तुम गलत हो, इस चीज को सुधारो, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छी हो। रिस्पेक्ट, लॉयलिटी एंड सपोर्ट सिस्टम। पार्टनर से ज्यादा उसका दोस्त बनो, बी हिज बेस्ट फ्रेंड। सो वो मतलब कुछ भी करे ना, कुछ भी करे, मतलब तुम्हें आके बताए कि अरे यार सचिन ने आज ये किया, उसकी बंदी ने फोन में उसकी पिक्चर पकड़ ली एक्स की, तो वो सब आके तुम्हें बताए। देखिए मेरा ऐसा मानना है ये सब सब बुकिश चीजें हैं, हम आपको एग्जांपल के साथ समझाएंगे। सबसे पहली क्वालिटी है ना प्यार होना चाहिए। आप कहोगे ये कौन सी बड़ी बात कह दी भाई, रिलेशनशिप में प्यार, प्यार क्या होता है हम आपको एग्जांपल देके समझाते हैं। जैसे आप सबकी माँ है, सबके पापा है, तो जब आप अपनी माँ से प्यार करते हो ना तो आप उनको रोज आई लव यू नहीं बोलते, समझ रहे हो, रोज उनको आई लव यू नहीं बोलते, रोज ये नहीं बोलते मम्मी हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, ये सब नहीं होता, वंस इन अ वाइल होता है, दैट्स वेरी स्पेशल, ऑफन ज्यादा करो बहुत अच्छी बात है। पर जब आप किसी से प्यार करते हो ना, जैसे जब लड़का अपनी माँ से प्यार करता है तो वो उनकी इज्जत करता है, उनको बोलना नहीं पड़ता कि इज्जत करो उनकी, वो इज्जत करता है, कभी कभी कुछ बोलता भी हो तो गिल्टी भी फील करता है और सॉरी भी बोलता है, वो होता है प्यार। प्यार होता है आप उनकी केयर करते हो, ये नहीं करते कि रोज जाके उनके पैर दबाते हो, बट जब भी मौका मिलता है तो दबाते हो, या वो नहीं करते तो रोज खाना भले नहीं पूछते हो, बट जब जहाँ पे लगता है वहाँ पूछते हो। आई थिंक हम लोग बहुत डायनेमिक लोग हैं, हम लोग को इतना ना ज्यादा थियोरेटिकल बातों में फंसना नहीं चाहिए। अगर प्यार है तो है, पहले तुम अपने आप से पूछो तुम्हें प्यार है कि नहीं, अगर प्यार है तो रूल नंबर वन प्यार होना चाहिए। तो तुझे प्यार है, ठीक बताओ, चल यार देख, ठीक है, तो सेकंड तो है, सेकंड ये तो पक्का है, रिस्पेक्ट तो नहीं है, जो सेकंड नंबर है होते नहीं है यार रिलेशनशिप में। अब देखो तुम, अभी आते सपोर्ट सिस्टम पे, मारियो बाबा जरा इनकी थोड़ा, ठीक है, अभी सेकंड पॉइंट, पहला तो प्यार होना चाहिए, सेकेंड आई थिंक एक दोस्ती का रिश्ता होना चाहिए। अब ये भी बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, जब आपका दोस्त होता है ना आप उसकी बहुत बेइज्जती कर देते हो, ठीक है, उसको रोस्ट कर देते हो, उसकी ऐसी तैसी मजा देते हो, बट आपको पता है आप उसको डिसरिस्पेक्ट, पहले से नहीं, आप उसको डिसरिस्पेक्ट ही कर रहे हो, आप नहीं कर रहे हो उसको डिसरिस्पेक्ट। हाँ, एक मार्जिन आपको पता होता है, जब हो जाता है तो पता चलता है, हाँ भाई जब लग रहा है ज्यादा, सॉरी बोल देना चाहिए, तो दोस्ती वाला होना चाहिए कि भाई मजा आ रहा है यार। मतलब हम लोग लड़के लोग क्या करते हैं, दोस्त को कॉल के घर आ जा भाई, वो भी कुछ नहीं करता, हम भी कुछ नहीं करते, घर पर फोन चला रहे हैं दोनों टेक्निकली, बट वो जो बॉन्ड है ना वो बॉन्ड होना चाहिए। और थर्ड मेरे हिसाब से ये है ना कि पर्सनल स्पेस की रिस्पेक्ट होना चाहिए, बिकॉज जब दो लोग साथ में आते हैं ना तो दो बहुत ही डायनेमिक और डिफरेंट पर्सनैलिटी होते हैं। 25 साल उम्र है किसी की, 26 साल उम्र, भाई बहुत सीरियस बात कर रहे हैं, और ऐसी ऐसी लड़कियों से कतई दूर रही है, ठीक है, जो आप बोल रहे हो सुनना तक नहीं चाहती, ठीक है। थर्ड बॉटम चेंज करना चाहते हैं उसमें भी ये बोलना चाहते हैं कि लिसनिंग कैपेबिलिटी किसी लड़की के अंदर नहीं है ना, एज अ बॉय, एज अ बॉय अगर आपकी बंदी के अंदर लिसनिंग कैपेबिलिटी नहीं है भाई, उस लड़की से आंख मत मिलाना, उस लड़की को अपने बाजू बैठने मत देना, उसको धक्का मार के निकाल देना भाई, बता रहा हूँ। तुम स्पेशल है, स्पेशल बस।
बस यही तीन चीज थी भाई। नासा जाओ स्पेस दिए तुम। भाई तुमने तो आज कांड कर दिया। चलो ठीक है, काफी काफी प्रोमो शॉट दे दिया आज गाइस। तो लास्ट क्वेश्चन, जो लोग बोलते हैं ग्रीन फॉरेस्ट रेड फ्लैग, आप लोगों को क्या लगता है कौन लड़के बेस्ट होते हैं, रेड फ्लैग और ग्रीन फ्लैग? रेड रेड मुझे जो मस्त हो, बिल्कुल उसको ज्यादा सोच नहीं रहा है, चिल कर रहा है, कुछ बोल रहे हो तो उसको बुरा नहीं लग रहा है, वो भी तुम्हें तुम्हारी ले रहा है, फिरकी ले रहा है तुम्हारी, ठीक है, मतलब मजा आनी लाइफ, ठीक है। और बाकी और क्या, चीटिंग वीटिंग ना हो उस रिश्ते में, मजा आ रहा हो, तुम करो करियर में साथ में ग्रो करो, तो वही मेरे लिए ग्रीन फ्लैग है। लोगों को लगता होगा ये दोनों मिलके रेड है, दोनों मिलके झंडा है, बट क्या पता आपको एक दूसरे के लिए आप ग्रीन हो, दूसरे की वजह से आप रेड हो, पर आप अंदर ही अंदर ग्रीन हो। हाँ, क्या पता आपको लग रहा है ये तो गधा मतलब बाकी जो ऑडियंस लग रहा है ये तो गधे, बाकी ऑडियंस कलर ब्लाइंड है, उनको ऐसा प्रेजेंट कर रहा है। देखो आपको अगर मजा आ रहा है, आपको लग रहा है सब सही है यार, भगवान ने साइन दे दिया, यही है, ये नमूना है, मैं नमूनी हूँ, हम लोग का बेस्ट रिश्ता है। क्वेश्चन पेपर सुनी हो, पांच ये वही है ना जो क्वेश्चन पूछ होता है, आंसर तो मेरे को कोई इंटरव्यू में बुलाता नहीं है, अगर मेरे से पहली बार कोई सवाल पूछ रहा है तो मेरे को जवाब देना। नहीं नहीं, आई अप्रिशिएट दैट, मैंने ये अपॉर्चुनिटी अपना बताते हैं। देखो भाई बहुत सब्जेक्टिव चीज है, बहुत सब्जेक्टिव चीज, बताइए किसके लिए क्या, हम एग्जांपल लेके समझाएंगे आप लोग बेटर समझ में आएगा, ठीक है। ग्रीन फ्लैग और रेड फ्लैग का डेफिनेशन, क्योंकि भाई ऐसा कुछ होता नहीं है ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग, ये आपको क्या पसंद है वो आपका ग्रीन फ्लैग है, हमें जो पसंद है मेरा ग्रीन फ्लैग है, आपको जो पसंद है, जो आपको नहीं पसंद है आपका रेड फ्लैग है। हो सकता है आपको ऐसी लड़की पसंद हो जो सुबह से रात तक आपको चार पांच कॉल करे, टमाटर और खीरे में बात नहीं कर रहे हैं, सुनिए ग्रीन पसंद, हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, एग्जांपल दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल कोई ऐसी लड़की है जो आपको सुबह कॉल करे पूछे बाबू आप नाश्ता किए, फिर लंच पे आपको कॉल करे, फिर शाम को पूछे क्या कर रहे हो, फ्री हो, नहीं हो, अरे फोन क्यों काट दिया था दोपहर में, फिर रात को कॉल करे, गुड नाइट करे करे, फिर उसके बाद फोन रख के ये 6-7 कॉल का सिलसिला चलाए, और हो सकता है आपको एक ऐसा लड़का, उसको ऐसी लड़की बिल्कुल ना पसंद हो जो सुबह से रात तक कॉल करे, उसको हो कि हम अपना रात को बात कर ले, एक बार सुबह बात कर ले, हम गुट्टू को, तो अगर कोई लड़की बार बार कॉल करेगी उसके लिए वो रेड फ्लैग है भाई, आपके लिए ग्रीन है कि भाई मेरा कितना चिंता करती है। एग्जांपल के तौर पे आप अपनी जिंदगी का ग्रीन और रेड फ्लैग फाइंड आउट करें, फाइंड योर ग्रीन, फाइंड योर रेड। मुझे एक बात बताओ, ये जो इतने सारा तुम काम कर रहे हो, इतनी सारी चीजें हो रही है, मतलब ये थोड़ा सीरियस क्वेश्चन है, मैं तुम लोगों को देखा है तुम दोनों को, ठीक है, मेरे सामने तुम मुंबई आई है, ऋषभ बाबा को मैं पहली बार जब मिला था तब से वो भी काम कर रहे हैं, ठीक है। क्या होता है कई बार ना, तुमको ऐसा लगता है कि कभी कभी कम टाइम में बहुत ज्यादा मिल गया, या फिर तुम लोगों ने उस चीज के लिए इतना एप्ट मेहनत किया है, बिकॉज व्हाट आई फील देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, हम लोग इतनी मेहनत करके पहुंचे तभी यहाँ पे बैठे हुए हैं। सो तुमको लगता है कभी कभी ऐसा कि तुमने जितनी मेहनत करी है उस हिसाब से तुमको मिला है अभी तक? श्रेय तेरे से शुरू करते हैं। यार मुझे ऐसे लगता है मैं बहुत लकी हूँ, मुझसे मैंने बहुत मेहनती लोग देखे हैं जो शायद मुझसे कहीं ज्यादा टैलेंटेड होंगे, मेरे से ज्यादा स्किल होगी उनके पास, या मेरे से बहुत अच्छा बोलते होंगे, अच्छे दिखते होंगे, जो भी, पर मुझे लगता है भगवान जी मेरे साथ हैं और मैं बहुत लकी हूँ कि मैं जो भी चीज में हार्ड डालती हूँ और मुझे लगता है वो मेरे लिए सही होती तो वो मुझे मिलती है, और सही नहीं होती वो मुझे नहीं मिलती है। तो मैं पहले बहुत स्ट्रेस रहती थी कि यार क्यों मेरा इधर नहीं हुआ, मतलब इधर होना चाहिए था, मुझे वो चीज चाहिए, बट फिर वो नहीं होता था ना, अगले महीने मुझे वो रीजन मिल जाता था कि यार शायद इसकी वजह से वो चीज नहीं हुई। तो अब मैं थॉट प्रोसेस मेरे यही कि भगवान जी आप जो मुझे बोलोगे मैं वो करूंगी, आप जिस राह पे मुझे चलाओगे मैं चलूंगी आंख बंद करके। तो मुझे ऐसा लगता है कि हार्ड वर्क तो मैं करती ही हूँ, 2 साल में मैंने कोई वेकेशन भी नहीं ली ऑनेस्टली, तो मैं हार्ड वर्क तो करती हूँ, बट मुझे भगवान जी भी है मेरे साथ जिन्होंने हाथ रखा है मेरे पे, शायद मेरे पेरेंट्स की दुआएं हैं या मेरी जो भी है, बस मैं लकी हूँ मुझे ऐसा लगता है, और हार्ड वर्क ही तो मैं। व्हाट डू यू थिंक, मतलब सी आई नो यू आर हियर फ्रॉम लास्ट 2 इयर्स है ना, 2 साल से, अब लास्ट 2 साल से, में 2 साल हो जाएगा, अभी 2 साल भी सारे, अभी नया जो शो चल रहा है सब लोग देख रहे हैं ऑलरेडी, तो मुझे से लगता है कि कई बार ना आप मेहनत तो करते हो पर आप साथ के साथ एक स्मार्ट वर्क भी करते हो, तो मैं कहीं ना कहीं पे वो फिगर आउट कर पाता हूँ from your personality and क्या क्या लगता है 2 साल कैसे गए और क्या? 2 साल तो I think बहुत अच्छा था, and पहले तो मुंबई आने ही एक सपना था,
कि मुंबई आ जाओ भाई, वही एक सपना है, ये सब तो सब वही है, ड्रीम का पार्ट है। तो अगर कोई इंसान है जो अपना सपना जी रहा है तो उससे अच्छा पोजीशन कुछ हो नहीं सकता है। ऑनेस्टली मेरे लिए क्या है ना कि ज्यादा सीरियसली लेते चीजों को, ये है कि जो दिल करता है वो करते, जो दिल नहीं करता नहीं करते। भाई मन है काम करेंगे, मन नहीं है रिलैक्स करेंगे, मन है ऑडिशन बनाएंगे नहीं बनाएंगे, दिल से जो करे वो करो। खुशी मिलनी चाहिए, खुशी कॉन्स्टेंट होना चाहिए, हैप्पीनेस हैज टू बी द कॉन्स्टेंट थिंग इन माई लाइफ। इफ अगर हम 1,000 रुपए भी कमा रहे हैं हम खुश है, हम खुश है। अगर हम 10 लाख रुपए भी कमा रहे हैं हम खुश नहीं है तो हम 10 लाख नहीं कमाना चाहते भाई, क्योंकि हमें पता है एक ही जिंदगी है। ठीक है, हम लोग अभी 20s में है, अभी कुछ साल बाद 30s में चले जाएंगे, फिर जो अभी कर सकते हैं वो नहीं कर पाएंगे, फिर 40s में चले जाएंगे। तो ये आपका अप्रोच है। हमें आज भी याद है जब पहली बार आए थे ना, तो अपने हम एक जगह पे रहते थे, जो रूममेट्स थे उनसे हम बोले थे भाई कि कैसे इंडस्ट्री में घुस सकते हैं, वो क्रिएटिव में था, तो बताया कि ये ऑडिशन होता है, इससे बात करो उससे बात करो, हम कहे हम रेडी, हम वॉचमैन बनने के लिए भी रेडी है भाई, अगर यशराज के बारे में वॉचमैन लगा दोगे। हम ऑनेस्टली उससे बोले थे, क्योंकि हमें लगता था हम अपनी जर्नी लिख रहे हैं ना, बुक तो हम लिख रहे हैं, हमें पता है हमें कहाँ पहुंचना है। आज 2024 में नहीं पहुंचेंगे, 2029 में पहुंचेंगे, 2028 में पहुंचेंगे, और पहुंचेंगे जरूर। तो हमें ये तो मेरा फ्लेक्स है ना, ये तो मेरा फ्लेक्स हो जाएगा कि भाई हम वॉचमैन की तरह काम किए थे, तो हमें पता है वहां पहुंचना, मेरे लिए छोटी चीज ही नहीं है वो। तो मेरा माइंडसेट बहुत सॉर्टेड रहता है हमें लगता है, और वही है हार्ड वर्कर हम नहीं है हमें लगता है पर्सनली, मेरा ये सॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, तो फिर सब मजा आता है, ऐसा कोई स्ट्रेस नहीं होता। क्या हार्डवर्क नहीं है, 14-14 घंटे शूट पे आता है, फिर मेरे साथ रील बनाता है, फिर मेरे साथ ब्रांड कंटेंट शूट कर रहता है, 3 घंटे अभी भी शूट कर रहा है, अभी 3 घंटे सो के वापस सेट पे जाएगा। सो गाइस, और क्या हार्डवर्क करो, मर जाएगा क्या काम कर करते। देखो बेस्ट चीज क्या होता है ना, जब आप अपने दोस्त बैठे होते हैं एंड सब लोग अच्छा काम कर रहे हो तो बड़ा अच्छा लगता है दिल से। मुझे ऐसे लगता है कि सक्सेस एक दिन अवार्ड मिलना नहीं है, आप जो हर दिन ट्राई करते हो, जैसे ये लोग करते हैं, डेली मेहनत करते हैं, डेली कंटेंट बनाते हैं, तब जाके वो लोग 1 मिलियन पहुंचते हैं, जब जाके उनके गोल्डन हार्ट खुशी खुशी करते हैं। तो क्योंकि क्या है, जो हर दिन आप ट्राई करते हो ना वही सक्सेस है भाई, एक दिन अवार्ड मिलना सक्सेस नहीं। बिल्कुल, खुश रहना है वही आपका अवार्ड है, खुश रहना। एक दिन अवार्ड मिल गया वो तो ऐसा हो गया ना, खुशी खत्म हो गई यार, आज तो मिल गया, अब नेक्स्ट क्या। वही बात होती है ना, अगर आप घर बना रहे हो आप एक दिन ब्रेक रखोगे, हर दिन ब्रेक रखो, एक दिन तो घर बन ही जाएगा यार, बन ही जाना है भाई, बंगला बन जाएगा, बस सब बन जाएगा, विला बन जाएगा, लैम्बोर्गिनी आ जाएगी, सब आ जाएगा, बन जाएगा, बहुत ही बढ़िया, मजा आ गया बाबा। श्रेया सो हैप्पी फॉर यू, गोल्डन हार्ट तुम्हारा वो जो आ गया। एंड गाइस, दोनों का चैनल श्रेया कालर ऑलरेडी 1 मिलियन पहुंच चुकी है, तो मैं कोई मेरी क्या औकात में उसको प्रमोट करूं, मेरे को पहुंचा दो गाइस, बनारस टू बॉम्बे जो है वो पहुंचने वाला है 1 मिलियन वेरी सून। कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को पहुंचा दूंगी 1 मिलियन। चलो गाइस, मैं लक्ष्मी हूँ, मैं आती हूँ जिसकी जिंदगी में सब अच्छा अच्छा होता है। मैं जब पैदा हुई थी, मेरे पापा ने, पंडित ने बोला था इसके मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुई है, दिखाओ जरा। अरे यार ब्रो, अच्छा हम थोड़े गंजलाइज कर लेते ना, सो जाते हैं चांदी का चम्मच निकाल के जाके बेच देते। तो इसी के साथ हमारे रिलेशनशिप एडवाइस होते हैं खत्म, और हम भी हो गए खत्म, हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन, आई लव यू गाइज, इट्स योर बॉय सचिन शर्मा डांस, थैंक यू श्रेया कालर एंड ऋषभ जायसवाल, आई लव यू गाइज यार, आई लव यू ब्रो।